जी, तो ये कढ़ी तो यार यूजुअली सभी को आता है। तो बेटा कह रहा था मम्मी आप अपने वाले तरीके से बनाओ, तो सोचा मैंने कहा चलो लगे हाथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी, सिंपल कढ़ी। और हमारे यहाँ पे इसको पलो छम्मा भी बोल सकते हैं अगर आटा डलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो, लेकिन बेसन से बना रही हूँ। दही डाला था इसमें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दही डाला था, मैं डाल चुकी हूँ, मैं आप लोग को वैसे दिखा रही हूँ। और इसमें बेसन, बस क्या करना है इसको फेंटना है अच्छे से, खूब अच्छे से फेंटना है। जितना हम अच्छे से फेंटेंगे ना उतना अच्छा होगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:35 हो गए, आज तो मुहर्रम की छुट्टी है तो सब लोग घर पे हैं, तो दाल वाल खाने की भी कभी इच्छा होती नहीं है ना, लगता है कि कुछ खा लो। लाइट जला लिया है, बिना लाइट के थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था। तो इसको बस ऐसे ही फेंटना है, पकौड़े वाला नहीं बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी। बस इसको फेंट के, अच्छे से फेंट के फिर इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। बस फिर मैं नहाने जाती हूँ, बाद में इसको तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक लगाती हूँ। ये रहा नमक, ये नमक नहीं है यार ये तो गड़बड़ होइगो, ये है नमक, वो कॉफ़ी वाला वो था ना, तो कॉफ़ी ख़त्म हो गया, उसमें कॉफ़ी डालना है। तो थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा डालूंगी। ये कढ़ी बिना पकोड़े वाला कढ़ी बना रही हूँ, ठीक है। तो पकोड़े नहीं बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी, इसको बस कड़ने के लिए रख दूंगी। जितना ये कड़ेगा उतना टेस्टी होगा। बिल्कुल देखिए, बेसन अब अच्छे से जो है घुल गया दही के साथ। अब इसमें आपको जितना पानी चाहिए उतना मिला के इसको गैस में चढ़ा दूंगी। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसको ये घोलते समय ना हींग डालूंगी, हींग डालूंगी, ये थोड़ा। और ये काटते समय हींग डालो ना, तो हींग का टेस्ट अच्छा आता है। बस बहुत है, ठीक है। ये ढक्कन लगाओ, ये लो पकड़ो, हाँ ढक्कन लगाओ। बस ये हींग, अब हींग डाल दिया। बस अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ, बस गैस ऑन कर दिया, इसको मैंने चढ़ा दिया। बस अब ये ऐसे खोलते रहेगा, इसको रख देते हैं यहाँ पे। बस वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, अब इसको थोड़ा सा एक उबाल आ जाए फिर गैस छोटा कर दूँगी। तो बस फिर ये ऐसे ही करते रहेगा। तो बस अब इसमें ना एक उबाल आ चुका है और बेसन दही अच्छे से पानी के साथ फेंट के देखो, पता ही नहीं चल रहा, बढ़िया करके हो गया। अब पानी और ज़्यादा डालूंगी इसमें, थोड़ा सा इतना इतना पानी डालूंगी, गाढ़ा है ये, फिर उसके बाद खोलने दूंगी। तो 11 बजने में भी 5 मिनट है, लगभग पूरा टाइम देख के मैं इसको आधा घंटा पूरा इसको खोलने दूंगी, बढ़िया कड़ जाएगा तब तक। फिर उसके बाद जो है इसको छौंका लगाऊंगी। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने, टियाना के पापा को बता देती हूँ, ठीक 11:30 में इसको बंद कर देना। तो बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, फिर ये खोल जाएगा। आप बंद कर दोगे? ठीक है, टियाना बंद कर देगी 11:30 में, ठीक है टिया। बस अब मैंने इसमें डाल दिया पानी, अब हो गया बढ़िया। बस अब ये खोलेगा, इसको अब खोलने देते हैं। तो कढ़ी बिल्कुल खोल के तैयार है, अब मैं छौंका लगाती हूँ। मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, इसमें डालूंगी जीरा और कम वो मेथी दाना, लाल मिर्च और हींग, और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, करी पत्ता, बस। और इसको लगा रहे हैं, ये हो गया रेडी। ये देखिए, हाँ जी, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल ममता अग्रवाल ब्लॉग। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी सावन, सावन की ढेर सारी आप लोग को शुभकामनाएं।
भोलेनाथ आप लोगों के घरों में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:45, 1:45 हो गए हैं। टियाना आने वाली है, लेकिन बारिश, मतलब बारिश का मौसम ऐसा खतरनाक हो रहा है ना कि लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। अब देखो बारिश होती है नहीं होती है, तो मौसम ऐसे लग रहा है। आज सावन का मेरा पहला फास्ट है, कपड़े सुखाती करके कर रही थी तो इतने में बारिश होने जैसा लग रहा है। और दाल बना लिया बच्चों के लिए, राइस भी खाती हूँ, बाहर दिखाती हूँ। एक मिनट देखो, लाइट चला रखा था ना मैंने अभी अंदर, कैसा हो रहा? बाप रे, बढ़िया हो रहा, मौसम तो मस्त हो रहा है। दिखाती बढ़िया हवा चल रही है ना। और ये पॉटचूल्हा अब खिलेंगे, इसमें आग तो खिले नहीं, इसमें बारिश होने वाली खूब तेज। और मुझे तो बालकनी भी साफ करने जैसा हो रहा है यार, किया नहीं है कुछ 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 काम, इतना हो जा रहा ना। ओ वहाँ पे अंधेरा हो गया, बारिश होने वाली है। बस इतनी मस्त बारिश हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी वीडियो कॉल में देखे, ये लोग भी वीडियो कॉल के साथ साथ जो है वीडियो कॉल में हम लोग सावन मना रहे हैं, है ना संध्या बिनिधि? बातें भी हो रही है, तो हैप्पी सावन तो बोल दो सबको, हैप्पी सावन तो बोलो सबको। तो ये देखो, बाप रे क्या मस्त बारिश हो गई। देखो ये देखो, खूब जम के बारिश हो रही है। मन तो कर रहा नहा के, नहाने का। मैं बिन्नी दी को बोल रही हूँ बाहर चलते हैं, लेकिन बिन्नी नहीं मान नहीं रही है। बारिश का मजे लेते हैं अब हम। हाँ, पूजा वगैरह कर लिया, अभी रात के बज रहे हैं 8:15 हो गए। पूजा बहुत पहले ही कर लिया था मैंने, 7 बजे करीब। खाने में बनाया मैंने आज वो पनीर और थोड़ा सा आलू मिला के रस्से वाली सब्जी, और चावल बनाया आज। वैसे तो नहीं तो फास्ट के दिन ऐसे पूड़ी जैसे होता ना कि बना ले, लेकिन कल ही पूड़ी खाया ना, तो इस वजह से मैंने कहा ये फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ, मैंने कहा राइस बनाती हूँ, राइस बना रखा है। बस ये रस्से वाली सब्जी बना रखा है पनीर और आलू डाल के, और इधर के बन गया राइस। रायता मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है, बस अब खाते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो ये वीडियो मेरा 2-3 दिन में थोड़ा 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 शूट करके ही बना है, क्योंकि बस बेटा जा रहा है वापस, तो इसकी तैयारी में हम लोग का थोड़ा बिजी चल रहा था, तो इस वजह से भी वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाया। तो आज वो जा रहा है, तो बस सुबह मैंने थोड़ा नाश्ते में ब्रेकफास्ट में नूडल्स वगैरह बनाए, और उसी नूडल्स को थोड़ा सा फ्राई करके, मतलब फ्राई क्या, उसमें वो चीज़ वगैरह डाल के ब्रेड के अंदर डाल के उसका सैंडविच सा बना दिया, थोड़ा पैक कर दूंगी, थोड़ा खा के भी जाएगा। तो रहता ना थोड़ा बच्चों को, अब घर से जाते समय ये पैक कर दो, लेकिन गर्मी है तो इस वजह से थोड़ा सा वो भी है। और ये मैं बेड़मी पूड़ी, बेड़मी आटा आता है पैकेट, थोड़ा स्पाइसी चटपटा सा रहता है, उसमें थोड़ा सा आटा मिला के, मैं तो आटा मिला के यूजली बनाती हूँ, तो वही मैं बना रही हूँ, और थोड़े से आलू के कूट के बना रखा है। तो बस वो पैक करती हूँ, और फटाफट से उसके जाने की हम लोग तैयारी करते हैं। तो चलिए आगे। आयुष्मान आज जा रहा है? आज जा रहे हो? पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? क्या है, और ये सब साफ करना वहां पहुंच के, ठीक है? ओके, पानी टिया को पानी दे दे। बस इसकी तैयारी हो गई जाने की। बस इसका कह रहा कुछ नहीं ले जाता हूँ, खाता भी नहीं हो, कह रहा था। मैंने कहा थोड़ा तो लेके जाए, इसके साथ में शिमांस भी है अपना ही है, वो भी हमारे वहीं का है गर्बियान। तो बस अब चलते हैं, शाम की ट्रेन है इसकी, और गर्मी इतनी हो रही है ना, उमस बहुत ज़्यादा, और सुनसान भी लग रहा है। तो बस पैकिंग इसकी हो गई है, अब निकलते हैं हम लोग पहुँचाने, तो यहाँ तक जाते हैं, देखो कहाँ तक होता है। पसीना पसीना हो रहा है बहुत भी, और ये देखो मेहंदी कैसा लगाया सावन में, मैंने कहा कुछ नहीं से तो कुछ सही ऐसे लगाया। तो बस अब फटाफट चेंज करते हैं हम लोग भी, तो आधे कहीं यहीं पे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के आते हैं ना। आयुष्मान दिया गुया जा रहा है आज, याद आएगी, कितनी याद आएगी, बहुत ज्यादा। बाबरे बस छोड़ने जा रहे, ठीक। अयो
अच्छे से जाना, बढ़िया ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, चलो बाय बाय। बस अभी शाम के हो गए, कितना 6:30 होने को है, आयुष्मान को हम लोग पहुंचा के आ गए थे, तो घर आए तो इतना सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि घर में भी जब वो रहता है ना, उसका कुणमुण कुणमुण हल्ला गुल्ला मचाते रहता है, बोलते रहता है, मतलब मेरी तरह टॉकेटिव है वो भी बोलता है, खूब गपशप मारता है, तो फिर ज़्यादा वो लग रहा है। उसके रूम में जाते ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सुनसान सा। वैसे भी बच्चे होने के बाद वैसे चले जाए हॉस्टल और फिर ना कॉलेज चले जाए तो फिर अजीब सा लगता ही है। टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला, 1 महीने की छुट्टी, एक महीना नहीं, 1 महीने से ज़्यादा ना 45 days ना, हाँ 45 दिन की छुट्टी, कैसे निकला पता ही नहीं चला। कल पहुंच जाएगा सुबह, तो बस अब आए हम लोग भी, तो एक दो सामान वामान सब्जी वब्जी लेके आना था वो लेके आए, अब देखते हैं रात को क्या। दिन में तो वही पूड़ी आलू वो भी पैक करके ले गए, तो मैंने सबके लिए वही बनाया, जाते समय तो ज़्यादा ऐसे खाने की मुझे भी इच्छा नहीं थी, चाय के साथ अभी एक दो पूड़ी खाया। और बारिश, ऐसा बाहर ऐसा हो रहा ना कि बारिश हो गई लेकिन कुछ नहीं, ऐसे उमस हो रहा है कि बिल्कुल भयंकर। तो देखते हैं अब आगे क्या करती हूँ, फटाफट से एक दो ये सारा घर थोड़ा फैला है ठीक करना है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पानी आ रहा था, पानी भी भर चुका है, शाम को पानी आता ना, भर गया पानी, अब थोड़े एक दो बर्तन है उसको धोती हूँ रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।